बड़ी देर से गोलियों की आवाज आ रही है। पहले मैं सोच रहा था कि कॉलेज में कोई परेड शरेड हो रही है, लेकिन ये तो मामला सीरियस लगता। राणा दोनों बच्चे भी उस तरफ गए। एक मिनट मैं देख के आता हूँ। मैं भी आती हूँ। एक मिनट, कार आ रही है, तू जाके कार में बैठ। ए माता रानी, मेरे बच्चों की रक्षा कर, और मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता। ये बच्चे मेरी जान है, मेरी पूंजी है, मैं देख के आता हूँ। कहाँ जा रहे तुम लोग? रुको, चलो अंदर। भागो 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 भागो, मैं चलता। आप जो शोर में पहुंचना, जल्दी आओ। भागो भागो। जा भागो भागो भागो, तुम लोग सब निकलो जल्दी जाओ। अरे क्या हुआ? चुप जाओ, इधर जा, इधर जा। शारदा शारदा, आम कितना है ना? मैं ठीक हूँ। मेरा दिल बैठ गया था, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ शारदा। मैं तो तनु आना का तनु और आना तो आई नहीं कॉलेज। चलो शारदा, जल्दी से बाहर चलते हैं। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने इन दोनों को कहीं देखा है? ये मेरे बेटे हैं, ऋषि और मनप्रीत। कहीं देखा है? नहीं, हम इन्हें नहीं जानते। ये लीजिए। राजी आया है, राजी मेरा यार आया है। मैंने तेरे को बोला था ना, राजी आएगा, अपना वादा निभाएगा। मेरी बेटी का इंतजार पूरा हुआ, अब मुझे कोई गम नहीं। मेरी पूरी जायदाद पूरी पापा की चली गई तो चली गई, अरे मेरी सबसे बड़ी दौलत तो मेरा यार है राजी। शारदा, राजी आया है तो अपना पुत्र भी आया होगा ऋषि, और अपनी तनु की जिंदगी संवर जाएगी। चल जल्दी बाहर आके देखते हैं, जल्दी बाहर। अब तो बस वादा पूरा होगा, कसम पूरी होगी। वो जोड़ा जोड़ेगा जो काली माँ के मंदिर में जोड़ा था। बिना राजी आ गया, देखना
वो सब संभाल लेगा, सब संभाल लेगा हमारी बेटियों को भी। इंस्पेक्टर साहब पीछे हटिए, पीछे इंस्पेक्टर साहब, पीछे, वो गोली लगी है उन दोनों को। जाइए जाइए, ठीक है आप पीछे जाइए, एक मिनट मैं जाता हूँ। अरे बेटे पीछे, माँ बाप चलिए। अरे आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए आप लोग। अरे क्या कर रहे हैं आप, गोली लगी है, पीछे हो जाइए। शारदा काली माँ का बुलावा आया है। काली माँ, इनके काल को काटना, इन्हें बचा लेना, इनका भी कोई अपना होगा जो इनको ढूंढते हुए यहाँ आएगा। तो ये सब दिखेगा तो उसे इतना बुरा लगेगा। एक अजनबी के लिए शहीद होने चली थी दी, जिस इंसान को जानती तक नहीं है उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, क्यों? तनु तुम यहाँ? मुझे तो लगा तुम आज कॉलेज ही नहीं आई, इसीलिए मैंने पापा जी को भी यही बोल दिया। बाबूजी, बाबूजी कहाँ मिले तुम्हें? तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। कॉलेज? वो कॉलेज में है? अपनी जान पर खेलते हुए उन्होंने आज कितने स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की जान बचाई है पता है? बहुत बहादुर है वो, अगर आज वो ना होते तो हम सब मर ही जाते। अंकुश, तेरे साथ बाबूजी बाहर आए या नहीं? वो तो वही कॉलेज में सबको बचा रहे थे। आना, हमें जल्दी चलना होगा। ध्यान से। भाई भाई, मॉम डैड इंतजार कर रहे होंगे, उनको क्यों टेंशन दे रहे हैं हम? उसे मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। अरे उसका नंबर चाहिए ना, ला दूंगा मेरे पास। शट अप लूजर, वो बात नहीं है, उसे मेरी जान बचाई है। अब वो एम्बुलेंस के पास चलते, शायद वो लड़की वहीं हो, राइट? चल। अरे भाई, वरी वरी वरी, आपकी गोली वाली लड़की। Excuse me. Thank you. मेरे भाई की जान बचाने के लिए। ये वो लड़की नहीं है। I'm sorry. पर भाई आपने तो मुझसे कहा था कि आपने उसका फेस भी नहीं देखा, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये वो नहीं है? ये वो नहीं है। उसकी हथेली पर नहीं, उसकी कलाई पर चोट लगी थी और उसके दुपट्टे में लाल रंग के फूल भी थे छोटे। तनु, उसकी बहन भी यही बोल रही थी, जिसे जानती तक नहीं उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? तो वो अजनबी तुम हो, अभी थोड़ी देर पहले यही पट्टी बांध रहे थे उसको। मेरे भाई ने पहली बार किसी लड़की का नाम पूछा। आई मीन थैंक यू नाम बताने के लिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, हमें अंदर जाने दीजिए, हमारे माँ बाबू जी अंदर हैं। देखिए आप अंदर नहीं जा सकती। सर प्लीज, हमारे माँ बाबू लेकर बाहर आ जाएंगे। देखिए आप अंदर नहीं जा सकती, वैसे ही बहुत सारे लोग अंदर फंसे हुए हैं, सबको बाहर निकाल रहे हैं, आपके बाबू जी आ जाएंगे बाहर। सर प्लीज हमें जाने दीजिए ना, प्लीज। आप अंदर नहीं जा सकती। प्लीज रहने दे, हम पीछे के रास्ते से चलते हैं। आना
चल चल। आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे नहीं, उन्हें कुछ होने वाला था जी। तुझे लगा तू मुझे बचा रही थी, पर मैं उन्हें बचाने वाली थी। तो वो औरत सच बोल रही थी। हवाओं की नजर लग चुकी इस पूरे शहर पर। ये हवाएं चाहे जिस शहर से गुजरे, जिस नजर से गुजरे, जिस असर से गुजरे, आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। दी क्या सोच रही है? आरा, मुझे आज एक अर्थ मिली थी। उसने इन दोनों को देख के बोला था कि इन लोगों के साथ कुछ होने वाला है। आरा, उसने ये भी बोला था कि मेरे साथ भी कुछ होने वाला है। दीदी तू प्लीज ऐसी बातें मत कर, मुझे पापा की बहुत चिंता हो रही है। जल्दी जल्दी चल, दी, चल, दी, चल।